आपका क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज 3 अ जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल 2x2 + x + k। ठीक है, तो हमारा हमको क्या करना है, इसको ध्यान देना है, क्या है ये हमारा हाईएस्ट डिग्री इज 2। ठीक है, अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो हमारे जीरोस क्या क्या होंगे, हमारे जीरोस होंगे अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब 3 है, एक बताया इसने 3, तो हम अल्फा या बीटा दोनों में से एक चॉइस कर सकते हैं कि ये हमारा 3 है। ठीक है, तो बीटा कितना है हमको पता नहीं, तो अब हम लिखते हैं पहले सम फिर मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू कोएफिशिएंट। तो हमारा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, अल्फा इज 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी क्या है हमारा 1, तो माइनस 1 बाई एम ए क्या है हमारा 2, तो 2 आ गया। ठीक है, व्हाट इज बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 माइनस 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो बीटा इज इक्वल टू एलसीएम इज 2, तो माइनस 1 माइनस 6, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 2, हमारा बीटा आ गया। ठीक है, अब सेकेंड हमारा क्या है, ये तो सम हो गया, अब मल्टीप्लीकेशन क्या है हमारा, मल्टीप्लीकेशन इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, हो गया, अल्फा इज 3, बीटा इज माइनस 7 बाई 2, सी बाई ए। तो पहले हम लिख देते हैं 3 बीटा इज इक्वल टू सी क्या है हमारा के, तो के बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 बीटा इज इक्वल टू के। बीटा का वैल्यू हमको पता है माइनस 7 बाई 2, अब वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 इंटू माइनस 7 बाई 2 इज इक्वल टू के। ठीक है, अब 2 एंड 6 कट करेंगे तो हमारा आएगा 1 एंड 3, तो के हमारा कितना आ गया, 3 इंटू माइनस 7 इज माइनस 21। ठीक है, माइनस 21, तो के का वैल्यू इज माइनस 21 हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है,